डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को लेकर आज एक कार्यक्रम हुआ जिसकी अध्यक्षता और संयोजकता कर रहे थे वरिष्ठ नहर सिंह यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज क्या कार्यक्रम? आज भीमराव अम्बेडकर जी का 131वां जन्म दिवस हम लोग मनाने जा रहे थे और वो इसलिए सार्थक है कि आज का जो परिवेश है, आज 75 साल के बाद नहीं हमको सोचना है, आज परिवेश ये है, ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा, इस देश के युवा को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वह त्रिशूल और बल्लम ही उठाता रहेगा, इस सारी परिवेश में आज डॉक्टर अंबेडकर एक सार्थक चीज़ हो गए हैं। उसी में मेरा ये कहना है कि सारी देश में हाहाकार मचा है और इस देश का प्रधानमंत्री चुप है, बोलने को तैयार नहीं है। इस देश का आरएसएस का प्रमुख कहता है कि हम वृद्ध हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या आप अफगानिस्तान को मिलाना चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं? क्या आप बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं? प्रमुख साहब, आरएसएस के चीफ साहब, इस देश के नागरिक को शांति से जीने दो, शांति से रोटी खाने दो, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं चलेगा। इसलिए आज इस देश के बुद्धिजीवियों को सबको इकट्ठा करके आज संविधान की सार्थकता क्या है इस पर गोष्ठी, तो आज जो विचार गोष्ठी थी उसको लेकर आप